प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 के बच्चे हिंदी गद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे मंत्र। हिंदी गद्य के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? मंत्र। ये मंत्र कहानी है। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। कौन है? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी को कथाकार या कथा सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें उपन्यासकार भी कहा जाए। उपन्यास, कथा और नाटक तीनों इनके प्रसिद्ध हैं, लेकिन कहानी इनकी जो कहानी है, जैसे मंत्र है, दो बैलों की जोड़ी है, पंच परमेश्वर है, ईदगाह है, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। इन कहानियों में आप लोग देखेंगे तो ग्रामीण परिवेश झलकता है। ग्रामीण के साथ साथ आपको शहरी परिवेश भी मिलता है। इसमें अमीर वर्ग के लोग और गरीब वर्ग के लोग, दोनों लोग इनकी कहानियों में मिलेंगे। ये इनकी कहानी यथार्थ पर टिकी है, न कि इनकी कहानियाँ जो भी है यथार्थ पर है, न कि आदर्श पर। ये यथार्थवादी लेखक थे। ये जो भी रचना किए हैं यथार्थ पर किए हैं, अर्थात इन ऐसा भी नहीं है। ये बड़े बड़े पौराणिक कथा के लेखक हैं, बड़े बड़े ऐतिहासिक पात्रों को लेकर किए हैं, जबकि छोटे मोटे गरीब तबके को लेकर अपनी कहानियों का निर्माण किए हैं। ऐसे उपन्यास में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए आप लोग देखते हैं मंत्र। मंत्र कहानी का प्रारंभ होता है, संध्या का समय था। संध्या का समय अर्थात सायंकाल का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। डॉक्टर चड्ढा ये डॉक्टर थे। वो शाम को जैसे डिस्पेंसरी अपना बंद करके, दवाखाना बंद करके क्या करते थे? गोल्फ खेलने चले जाते थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कार एक डोली लिए आते दिखाई दी। अभी उनका मोटर कार सामने खड़ी थी, ड्राइवर जो है मोटर कार को ला करके दरवाजे के सामने लगा दिया था, और वे गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे कि उस तो देखते हैं कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था, और उस डोली के पीछे पीछे एक बूढ़ा था जिसकी उम्र अधिक हो गई थी, उसकी कमर झुक गई थी, इसलिए डंडे के सहारे से अपने शरीर को रोक करके चल रहा था। अर्थात डंडे से टेक लगाता हुआ वह बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुकी। डोली कहाँ आकर रुकी? डॉक्टर चड्ढा के औषधालय के सामने। डॉक्टर चड्ढा के दवाखाना के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चीक से झांका, और वह बूढ़ा धीरे धीरे द्वार पर आया, और उसके बाद पर्दे से झांकता है। ऐसे साफ सुथरी ज़मीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था। जब वह चीक से अर्थात पर्दे से जब वह झांक कर देखता है तो इतनी साफ सुथरी फर्श थी कि उस पर पर रहते ही वह उसको भय लग रहा था कि कोई घुड़क न दे, अर्थात कोई उसको डपक न दे, अर्थात डांट न दे। बैठा डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ। जब डॉक्टर साहब को मेज के सामने देखा तभी वह सहम के कारण, भय के कारण उनसे कुछ कहने के लिए वह साहस नहीं जुटा पा रहा था। वह डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़ा देखकर भी कुछ कहने का साहस उसमें नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर साहब ने चीख के अंदर से गरज कर कहा। डॉक्टर साहब अंदर से गरज कर बोलते हैं, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है।
उन्हें निकालने का इतने ही पर कई दिन से कहता है, उसकी गला रुध जाती है और आवाज़ नहीं निकलती है। लेकिन ये पूरे वाक्य में यही है कि कई दिन से बीमार है। जब डॉक्टर साहब ने गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है, तब बूढ़े ने ये देखा, लग रहा है डॉक्टर साहब गुस्सा हो रहे हैं, इसलिए बूढ़े ने हाथ जोड़ कर कहा, रहा माई बाप। लोग हाथ जोड़ कर यही कहते हैं, बाबूजी। माई बाप कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ। क्या हूँ? बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से अर्थात बीमार है, अर्थात कई दिन से कहने के बाद उसकी गला रुद्ध हो जाती है और आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, एक सिगार होता है जो बड़े बड़े लोग पीते हैं, चिलम के आकार का होता है, लेकिन इसमें इस सिगार में सिगरेट भी लगा कभी लगा कर पीते हैं, कभी कोई नशीली बस डाल करके लोग पीते हैं, तो यही जाने सिगार था। ये अंग्रेज लोग यही सिगार को ही पीते थे। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ। कर क्या कहे? कह रहे कल सवेरे आओ। कल सवेरे? वो लड़का कर ओ फिर बूढ़ा क्या कह रहा है? कल सवेरे हम इस वक्त फिर कल सवेरे आओ, कल सवेरे। अर्थात डॉक्टर साहब दो बार कहें, एक बार कह रहे हैं कल सवेरे आओ, फिर कह रहे हैं कल सवेरे हम इस वक्त मरीज को नहीं देखते, क्योंकि उनका मरीज के देखने का समय व्यतीत हो चुका था, क्योंकि वे अपने मरीज को लगभग 3 बजे तक देखते रहे होंगे, उसके बाद वे गोल्फ खेलने चले जाते होंगे। इसीलिए कह रहे हैं मेरी डिस्पेंसरी अब बंद हो गई है, अब मैं अब उसके लिए गोल्फ के लिए तैयार हो रहा हूँ, मेरी कार लग गई है, अब इसलिए मैं अब तुम्हारे लड़कों को नहीं देख पाऊँगा और कल सवेरे आना। बूढ़े ने घुटने टेक कर ज़मीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार कि लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आँखें नहीं, अब यहाँ खोली है होना चाहिए, लेकिन तब तक बूढ़े की गला रुद्ध हो जाता है और आँखों से आंसू छलकने लगते हैं। छलकना तो दूसरा चीज़ है, आँखों से आंसू टपकने लगते हैं। बूढ़े ने घुटने टेक कर ज़मीन पर सिर रख दिया, अर्थात वह अपनी पगड़ी उतार कर हाथ में दोनों हाथों में लेकर हाथ जोड़ लिया और अपने सर को ज़मीन पर रख दिया और कहा, दुहाई है महाराज, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली, अगर आप इसे देखेंगे नहीं, इसका इलाज नहीं करेंगे तो क्या होगा, लड़का बचेगा नहीं, मर जाएगा, क्योंकि 4 दिन से ये आंखें नहीं खोली हैं। खाने की तो बातें अलग है, खाना पीना तो कई दिन से छूटा हुआ है, लेकिन इसका आंख बंद हुए 4 दिन हो गया, अभी इसकी पुतलियां खुली नहीं हैं। तो आगे आप लोग देखते हैं डॉक्टर चड्ढा क्या कहते हैं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली, उसके बाद डॉक्टर चड्ढा अपनी कलाई में जो घड़ी पहने थे उस पर नज़र डालते हैं तो केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्ट्रीक खूंटी से उतारते हुए बोले, जब वे अपने कलाई पर नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं केवल 10 ही मिनट और गोल्फ खेलने से कम है, उसके बाद वे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद क्या किए? तुरंत गोल्फ जो है खूंटी पर टंगी हुई थी, जो आप लोग हैंगर समझते होंगे, वही पहले खूंटी थी, लकड़ी की बनाई गई रहती थी, उस पर से उतारते हैं। बोले, कल सवेरे आओ। क्या कह रहे हैं? कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय। फिर दो बार कहते हैं, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, ये हमारा मरीज देखने का समय नहीं है, यह हमारा गोल्फ खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौकट पर रख दी। हम आप लोग को बताए थे, वह पगड़ी उतार कर दोनों हाथों में लिए रहता है, हाथ जोड़कर बोलता है। बाद में क्या किया? वह अपनी पगड़ी को चौकट पर रख दी और रो कर बोला, हुजूर एक निगाह देख लें। कह रहा है, हुजूर माई बाप, आप एक निगाह जरूर देख लें, बाबूजी आप एक निगाह जरूर देख लें, बस एक निगाह। कह रहा है, बस एक निगाह देख लें, क्योंकि
आप जब देख लेंगे तो मुझे कुछ तसल्ली मिलेगी। लेकिन क्या होता है, निगाह एक निगाह लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर कह रहा है अगर आप नहीं देखेंगे, कल की बात करते हैं, तो लड़का क्या होगा, हमारे हाथ से चला जाएगा, अर्थात जिंदा नहीं बचेगा। सात लड़कों में से यही एक बचा है हुजूर, कह रहा है हमारे सात पुत्र हुए और छह जो है स्वर्ग सिधार गए, अर्थात मर गए। लेकिन ये एक ही लड़का, ये सातवां लड़का एक ही बचा हुआ है। हम दोनों आदमी रो रो मर जाएंगे, सरकार आपकी बढ़ती हो दिन बंद। कह रहे हैं अगर ये मर जाएगा तो हम लोग भी जीवित नहीं बचेंगे, हम लोग भी रो रो के मर जाएंगे, हम लोग पति पत्नी भी, क्योंकि हमारा कोई सहारा नहीं बचेगा, यही लड़का मात्र सहारा है, छह बच्चे तो पहले ही मर चुके हैं। तो वही कह रहा है, हे दीन बंधु, हे सरकार, हे दीन बंधु अर्थात हे दीन दुखियों की सेवा करने वाले, हे सरकार आपकी बढ़ती हो, आपकी बढ़ती हो, मैंने आपका धन देन दुना रात चौगुना बढ़ा है। मैं मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ते जाएं, लेकिन मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप मेरे बच्चे को एक निगाह जरूर देख लें। कह रहा है, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे सरकार, हे माई बाप, हे बाबूजी, आप मेरे बच्चे को एक नज़र ज़रूर देख लें। तो डॉक्टर चड्ढा क्या कहते हैं, ऐसे उजड़ देहाती यहाँ पर आए रोज आया करते थे। अच्छा, डॉक्टर चड्ढा नहीं कर रहे हैं, ये लेखक कह रहा है, अर्थात प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि डॉक्टर चड्ढा के माध्यम से कह रहे हैं, ऐसे उजड़ देहाती यहाँ रोज पर आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। डॉक्टर साहब मन में विचार करते हैं, वे जानते भी थे ऐसे प्राय देहाती लोग रोजाना आते हैं, और यही निवेदन, यही विनती, यही प्रार्थना करते हैं, इसलिए उनको ये लग रहा था ये भी वैसे ही कर रहा है। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे। वे कह रहे हैं कोई कितना भी कहे, लेकिन ये देहाती गवार बेवकूफ लोग क्या करते हैं, अपने ही रट लगाए रहते हैं, दूसरे की नहीं सुनते, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। कहेंगे ये लोग किसी की नहीं सुनते, हम बार बार कह रहे हैं मेरे खेलने का समय हो गया है, अब 10 ही मिनट शेष है, अब तुम जाओ कल सवेरे लेके आना। लेकिन ये मान नहीं रहा है देहाती बुड्ढा गंवार, ये हमारी बात नहीं मान रहा है, ये हमेशा है, ये लोग रोजाना आते हैं, ऐसे दो चार लोग ऐसे ही रट लगाए रहते हैं। यह बात कहते हुए वो चीख उठाए और मोटर की तरफ चल पड़े। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा। बूढ़ा अपनी रट लगाए हुए, माई बाप, हुजूर, एक बार मेरे लड़के को ज़रूर देखना, यह कहता हुआ डॉक्टर के पीछे दौड़ने लगा। सरकार, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, कर से सरकार, बड़ा धर्म होगा सरकार, हे हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। कह रहा है सरकार, आपका बड़ा धर्म होगा एक बार अगर मेरे बच्चों को देख लेंगे। हुजूर, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर तरस खाइए, मैं बहुत ही गरीब और दुखी, मैं बहुत ही गरीब दुखियारा आदमी हूँ, संसार में मेरा कोई नहीं है, केवल इस लड़के के, इसलिए हे बाबूजी, मुझ पर दया कीजिए और मेरे बच्चे को देख लीजिए। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। डॉक्टर साहब क्या किए, उसके तरह मुंह फेर कर देखे तक नहीं, और मोटर पर बैठ कर बोले, कल सवेरे आना। फिर वही अपनी बात दोहराए मोटर पर बैठने के बाद, कल सवेरे आना, जाओ आज घर, आज हम नहीं देख पाएंगे। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्त की बात नीचल खड़ा रहा। मोटर स्टार्ट हुई और सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ गई। बूढ़ा व्यक्ति मिनटों तक, यानी कई मिनट, इसलिए कह रहा मिनटों तक मूर्त की बात नीचल खड़ा रहा।
अर्थात जब तक चड्ढा की कार दिख रही थी तब तक वह बेचारा चुपचाप उस कार को देखता रहा। जब कार वह आंखों से ओझल हो गई तब बेचारा वहाँ से लौटा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। उसके बाद ये लेखक कह रहा है अर्थात प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो अमीर लोग हैं जो अपने मनोरंजन के कारण आमोद प्रमोद के कारण के आगे अन्य किसी की जान की परवाह नहीं करते और निकल जाते हैं। शायद इसका उसे यह भी विश्वास न आता था सभ्य संसार इतना निर्मम इतना कठोर है, इसका ऐसी मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। अर्थात उस वह बुढ़ा अभी तक ये नहीं जान सका था कि यह संसार के लोग कितने निर्मम कितने कठोर हैं कितने मर्मभेदी। वो इस प्रकार वह दुख का अनुभव कर रहा था, वह उसके दुख इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक का नहीं हुआ था। अर्थात ऐसे जैसे हृदय को छू लेने वाली दुख की बात अभी उसके सामने नहीं आई थी कि वह गिड़गिड़ाए और कोई उसकी बातों को नकार कर आगे चल जाए। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था वे उन पुराने जमाने के जीवों में था जो अगर कोई उसे सहायता मांगे तो अपने सब कार्यों को छोड़ करके महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ करके भी वह उनकी सहायता करने के लिए निकल पड़ता था। लेकिन आज की दुनिया ऐसी नहीं है, ये अपने आमोद प्रमोद के लिए किसी की जान की परवाह तक नहीं करते। जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी की छप्पर को उठाने, किसी कला को शांत करने के लिए सदा तैयार रहते थे, वे उस समय की बात कर रहा है जो आपस में भाईचारे के साथ रहते थे। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का हमेशा मदद किया करता था, चाहे कोई लगी हुई आग को बुझाना है पूरा गांव दौड़ने लगता था, कोई मुर्दे को कंधा देना है सभी लोग कंधे देने के लिए आगे बढ़ने लगते थे, किसी के छप्पर उठाने किसी को छप्पर रखने की ज़रूरत है तो 8-10 लोग उसके घर पहुंच जाते थे, अगर कहीं झगड़ा हो रहा है उसको शांत करना है तो कई लोग जाकर उसे शांत करवाते थे। ये उस समय का था जबकि समय युग बदल चुका था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी, वही हम आगे ही बता दिए हैं। वह बूढ़ा कब तक वहाँ मूर्ति बना देख रहा था जब तक उसके आंखों के सामने वह कार दिखाई दे रही थी। जब उस कार उसके बूढ़े के आंखों के सामने से कार ओझल हो गई तब वह वहाँ से लौटा। अर्थात उसे अभी तक उसे ये लग रहा था कि डॉक्टर साहब के जान न जाने लौट के वापस आ जाएं। फिर उसने कहारों से डोली उठाने के लिए कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। फिर वे कहार उस डोली को जिस दिशा से लेकर आए थे उसी दिशा में लेकर चले गए। चारों ओर से निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। वह बूढ़ा कई जगह वैद्य और हकीमों से दिखलवा चुका था। उसको एक उम्मीद थी कि डॉक्टर चड्ढा के दवाखाने पर जाएंगे तो हमारा बच्चा बच सकता है, इसलिए डॉक्टर चड्ढा के औषधालय पर आया था बड़ी ही उम्मीद लेकर, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा की बहुत तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया, किस्मत ठोक ली। फिर उसके बाद वह डॉक्टर चड्ढा के यहाँ से जब लौट करके गया तो अन्य किसी डॉक्टर के यहाँ न गया। अब वह अपनी किस्मत ठोक ली और सोचा जो हमारे भाग्य में रहेगा, अगर लड़का मेरे भाग्य में रहेगा तो ईश्वर इसे सही कर देंगे ठीक कर देंगे
और नहीं तो अब इसकी जीवन लीला ही अब समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार वह अपने किस्मत को ठोककर चुपचाप घर पर बैठ गया और बच्चे की देखभाल करने लगा। तो बच्चों आज चलिए आगे भी एक है थोड़ा बता लें। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया और रात के बेला में उसका 7 साल का हंसता खेलता बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया अर्थात इस संसार से विदा हो गया अर्थात उसका 7 साल का लड़का मर गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था अर्थात बूढ़े माँ बाप के जीवन की उम्मीद की यही एक किरण थी क्योंकि इसके 6 बच्चे जो इसके पहले मर चुके थे 7वां बच्चा उसके उम्मीद उन बूढ़े माँ बाप के उम्मीद का किरण था जो वो भी बुझ गई। इसी का मुँह देख कर जीते थे वे लोग इसी के मुँह जी कर अभी तक जीवित थे कि लड़का बड़ा होगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाई भाई करने लगी अर्थात उसके मरते ही उन लोगों के जीवन में अंधेरा छा गया अर्थात उनके आगे पीछे अब कोई नहीं था और सभी लोग और उसके बाद वे लोग रोने बिलापने लगे। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में अर्थस्वर से रोने लगी अर्थात उसके अंधकारमय रूपी जीवन में उस अंधेरी रात भाई भाई अर्थात कुछ जैसे रात में झिंगुर के टर्राने की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं सुनाई पड़ता है उसी तरह उसके अंधकारमय जीवन में वही एक स्वर गूंज रहा था वही एक स्वर अर्थात ऐसे लग रहा था कि रात उसके जीवन रूपी रात अब रो रही है। तो बच्चों ये आपका मंत्र कहानी को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अब अगले पैराग्राफ को अब अगले वीडियो में बताएंगे उसकी व्याख्या अगले वीडियो में कहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।